प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस कर किया G20 का G20 तो चले उन्होंने कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज है, जो फ्यूचर में आपको सबको बर्दाश्त क्या है आपको आपको देखनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर जिसको आप क्यों कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें तो फिर आप क्या करेंगे। मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से वो उन्होंने अगले दिन दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए, एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे आप, किस तरह? हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाए, आप लूट के दुबई ले जाए, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है उनके। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की वजह की तरफ से बड़ी सख्त, बहुत नाराजगी, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको, तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता इंडिया। मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर, आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो, आप किस तरह वो रुक सकता है, सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा, वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं इस वक्त। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि जो आज की अभी मैं आपके सेगमेंट से पहले मुझे शौक है ये कि देखूं अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरी दुनिया क्या कर रही है, मुझे तो शौक इन चीजों। इस वक्त क्या हो रहा है, फिलीपीन के अंदर वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका सबसे बड़ी ताइवान के हवाले से। और उसके बाद मैं आपको ये भी बल्कि बताना चाहूंगा कि जो सबसे वरीसम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, दो पॉइंट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि इस वक्त सैटेलाइट से सेकंड बाई सेकंड खबर चाइना की वॉच करके अमेरिकन जो है वो इंफॉर्म कर रहे हैं, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के साथ। और उसके बाद जो इस वक्त ईरान, जो ईरान और सऊदी अरेबिया का जो ये एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर, आपके लिए नुकसानदेह ये हुआ है कि आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। पहले सऊदी अरेबिया, अब दो लोग जो हैं वो दो कंट्रीज आपको बिल्कुल दूसरी नजर से देखेंगे। सऊदी अरेबिया पहले आपकी वैल्यू करता था, आपका बॉर्डर ईरान के साथ था, आपको जब पैसों की जरूरत होती थी देते थे आप, अब उनके रिलेशनशिप उनके साथ ठीक हो जाएंगे, आपको वो आपकी इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी ग्वादर की पोर्ट थी आपकी, चाइना को आपको जरूरत थी, अब ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक है उनके, उन बेहतर हो रहे हैं, अब वो गारंटर हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं उनकी, अब वो ईरानियन पोर्ट्स भी यूज कर सकेंगे, आपके ग्वादर की पोर्ट की भी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। तो ये देखना चाहिए, लेकिन आप दर हकीकत आपके तो इश्यूज कुछ और है। मैं अब छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, यहां पे इस वक्त स्प्रिंग इसको कहते हैं स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही है आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की। परसों यहां पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे आई है, उनको तो पैसे नहीं चाहिए ना, वो तो मीटिंग्स अटेंड करने आई है, वो तो देखने आई है ना कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आईएमएफ, व्हाट हाउ द वर्ल्ड बैंक इज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज देयर प्लानिंग फॉर द 2023। आपने तो चलो पैसे मांगने आना था लेकिन आप नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि पीछे 22 उन्होंने आपने जो पैसे इलेक्शन कमीशन को देने थे, पर आप हर रात हर दिन आपका इस तरह होता है कि सुबह उठना है पता नहीं क्या हो जाना, सुबह उठना है तो पता नहीं क्या हो जाना। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है वो डाके भी इसी स्पीड से मार रही है कि आज रात को सोना है सुबह पता नहीं क्या हो जाना। मैंने अगले दिन देखा था, देखें सबसे बड़ी एक आपके बहुत बड़े लीडर, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, 300 अरब रुपए की करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके ऊपर फाइलें मौजूद हैं, पकड़ने के लिए गाइडलाइंस क्या कहते हैं, इनको पकड़ेंगे लेकिन ईद के बाद,